हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चारू ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, अभी सुबह का बज रहा है 8 और इस तरह से आज मौसम किया हुआ है, पूरी तरह से एकदम बादल। देखिए कुहास एकदम गिर रहा है, बादल थोड़ी ना, कुहास है ना, कुहार। और यहाँ पर हम लोग लहसुन लगाए हैं, तो लहसुन का कुड़ाई कर दिए हैं एक बार, और उसके बाद में आज मट्टी दरिया दे रहे हैं चारू पापा। और सुबह का 8 बज गया है, देखिए और किस तरह से मौसम एकदम कुहास पूरी तरह से गिर रहा है। चारू तुम यहीं रहो, यहीं रहो, वहीं रहना बेटा। हाँ रुको, नहीं रुको रुको। और लहसुन हम लोग का किस तरह से एकदम डंठल एकदम मोटा मोटा सा बैठा हुआ है, देखिए इस तरह से, ये देखिए काफी मस्त एकदम। और कुहास से ये देखिए पत्ता जो है इसका किस तरह से हो गया, ये सब घास पानी भर भर गया है। और इस तरह से मिट्टी को तेंगर रहे हैं ताकि अच्छे से बैठे, गोल गोल सा, सुंदर सुंदर सा ऐसा रहता है ना लहसुन, तो इसी तरह से बैठेगा। तो इस तरह से मिट्टी को चढ़ा दे रहे हैं। तो और आप सभी का कमेंट आ रहा था कि चारू का बर्थडे जो है कब है, तो आप सभी को हम बता देते हैं। एक दीदी ने कमेंट किए थे कि चारू का बर्थडे कब है, तो बर्थडे जो है 4 फरवरी को है ना बेटा, ज्यादा टाइम नहीं रहा ना, जल्दी इसका बर्थडे आने वाला है। सिर्फ जनवरी खत्म हुआ, फिर उसके बाद फरवरी में 4 फरवरी को है। चलिए इसका भी बर्थडे के बारे में आप सभी को बता दिए हैं। तो फिलहाल तो अभी हम लोग इस तरफ बारी तरफ आए हुए हैं, तो देखिए इस तरह से कुहास जो है पूरी तरह से गिर रहा है। बादाम कौन है? बादाम है, मटर मांग रही है। मटर मटर दे, तो चलते हैं चारू को एक मटर दे देते हैं। और वैसे हम लोग का खाना अभी बन के रेडी हो गया है। चलो उतरो उतरो, मटर ली। हाँ तो मटर दे रहे ना, तो हम चारू को मटर तोड़ करके दे दिए हैं और अभी पापा के साथ में है। तो अभी हम चलते हैं बैल देखने और बैल को हम नाश्ता दे देंगे। पोरा नहीं दिए हैं क्योंकि देखिए इस तरह से मौसम कर दिया है और 8 बज गया है एकदम, तो पूरा कुहास से नहीं पता चल रहा है बैल हम लोग का किधर है माचा। तो आप सभी को हम बता भी देंगे कि हम लोग का माचा जो है कहाँ पर है और किस तरह से पूरा चढ़ाए हैं, वो भी हम आप सभी को बता देंगे। तो चलते हैं पहले। तो हम पहुंच गए हैं खरिहान, खरिहान जगह ही पूरा है और बैल सब उधर बांधा हुआ है परसा पेड़ के पास और मचा जगह। तो पोरा यहाँ से ले लेंगे और चलेंगे देने के लिए। ये रहा चरका बैला, इसको दे देते हैं यहाँ पर पोरा। तो हम लोग का दोनों बैल यहाँ पर रहता है मचा जगह पर। और देखिए इस तरह से हम लोग मचा गाड़े हैं, देखिए बांस को काट करके डाल दिए हैं यहाँ बीच में, और उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर झाटी डाल दिए हैं और अच्छे से यहाँ पर 4 गो 5 ठो खुट्टे लगा करके सेफली रहेगा यहाँ पर। और कुहास यहाँ से गिरता नहीं है, वैसे तो बैला सबको ठंड काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन रहते हैं किस तरह से। फिर उसके बाद में बना देंगे अच्छे से, इधर चारों ओर से घोर देंगे ताकि अच्छे से सेफली यहाँ पर इस तरह से। तो थोड़ा सा यहाँ पर बचा हुआ है ये झटनी, इसी को घोर देंगे ना। कलुआ बदमाशी करेगा, हाँ पूरा खा रहा है ना, ये देखिए मस्त एकदम सबको पहचान लिया है अच्छे से एकदम, चिंता है क्योंकि हम ही लोग लेगते लानते खुटते हैं। गोबर सब फेंकना है तो अभी फिलहाल नहीं फेंकेंगे, बाद में फेंकेंगे। तो अभी हम अभी सबको नाश्ता दे दिए हैं, खाना खा करके आएंगे, उसके बाद में खुटाई कर देंगे। तो सभी कोई का बैल जो है इधर ही में रहता है, देखिए वहाँ पर भी है एक बैल और इधर बड़ी मम्मी सबका है। नाश्ता दे दिए हैं अभी के लिए, खाएंगे। और देखिए सूरज अभी निकल गया है लेकिन पता भी नहीं चल रहा है, इतना कुहास है पूरी तरह से, देख रहे हैं ये देखिए पेड़ पौधा भी नई पहचान में हो रहा है। तो चलते हैं अब घर, चारू पापा देखते हैं माटी चढ़ाएं कि नहीं रसून में।
तो रसुन रसुन का तो मिट्टी चढ़ा दिए हैं और उसको पानी भी पटा दिए हैं ताकि मुर्गी खोतरेगा तो पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, फिर जैसा का तैसा ही हो जाएगा। इस चलते पानी पटा दिए हैं और अभी शाम का व्यवस्था किए हैं यहाँ पर। अभी बनेगा मटर का सब्जी। देखिए हम साग ले लाए हैं, बहुत दिन से 4-5 दिन हो गया तो इसीलिए खाना खाने का मन किया तो हम साग ले आए हैं। नेठो साग है, भतुआ का नहीं है। तो मम्मी सुबह का व्यवस्था कर ली और अभी हम शाम का व्यवस्था कर लिए हैं। तो मम्मी का कहना है सुबह में बना देना और अभी के लिए ये बनाना, क्योंकि सब्जी गांव देहात में अच्छे से मिल जाता है, इधर उधर से साग पतई हो जाता है खाने के लिए। तो मटर का सब्जी बनेगा। बता दो मटर है, गमछुआ कहीं हम डिसनवे में सबके लिए ना कुर्सियां कोई कुर्सियां में देखो तो कुर्सी हिया ना हुआ भीतरे वाली कुर्सियां में सबके अथी कहाँ चलिए तो हुए लेके धर दिए। चलो निभा देखे जा चलो निभा देखे जा चलो निभा देखे जा यह देखे जा चलो निभा देखे जा ते हैं खाना बनाने क्योंकि शाम हो गया है और सारे को यहाँ पर बैठे हुए हैं। चारू चारू पापा आगे तपा रहे हैं, आगे का मजा ले रहे हैं। नगड़ मजा मटर खा रही है एकदम। तो यहाँ पर अब हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और एक तरफ अधन बैठा दिए हैं। तो चलते हैं, देरी नहीं करना है, फटाक से बनाएंगे। देखिए पूरी तरह से सूखा हुआ लकड़ी है एकदम। तो डाल दे रहे हैं थोड़ा सा तेल, तेल मेरा गरम है तो लहसुन को फोरन डाल देंगे, तेज पत्ता को डाल देंगे। अपना ही है तो प्याज का फोरन नहीं डाल रहे हैं और प्याज घर पे भी नहीं है। तो कल शुक्रवार है तो मम्मी जाएगी बाजार तो लेते आएंगे। और आलू और मटर को धो लिए हैं तो डाल देते हैं। तो स्वाद अनुसार इसमें हम नमक को डाल देंगे। अब हम इसको ढक देंगे और अधन हो गया है। चलते हैं चावल फटकने। नया चावल हम लोग खाना शुरू कर दिए हैं, कल से ही खा रहे हैं सुबह से। हाँ सुबह से। हाँ तो सुबह से ही खाना शुरू कर दिया है। काफी मस्त लगता है, एकदम मुलायम लुद्दू सा एकदम अच्छा लगता है खाने के लिए। चलते हैं आप चावल धोने। ए अच्छा से बैठो, पानी गिरेगा। दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो चावल हमने डाल लिए और मसाला भी पीस लिए और ये देखिए बहुत ही अच्छे से भुजा गया है। तो अब हम इसमें डाल दे रहे हैं मसाला और छोटा सा हम टमाटर को डाल दिए हैं। तो मसाले में तो जो अक्सर हम पीसते हैं वही डाले हैं, थोड़ा सा सिर्फ गरम मसाला डाल दिए हैं। तो चलिए अब मसाले को भूंज लेते हैं अच्छे से। तो मसाला मेरा बहुत ही अच्छे से भुंजा गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मसाला वाला पानी और अच्छे से हम इसको चला लेते हैं।
थोड़ा सा इसमें और पानी से डाल देंगे। बन गया है, सारा परिवार खा रहे हैं। बाबू और मम्मी बाहर में बैठ के खा रहे हैं, बोल रहे हैं चूल्हे जगह मतलब चूल्हा धरा है उधर, तो उधर ही खा रहे हैं। और हम लोग दोनों यहाँ पर खा रहे हैं, चारू से, चारू पापा भी है। तो मटर सब्जी आलू बन गया, अब मटर मटर अच्छा लगा। तो खा पी करके सो जाएंगे, गुड नाइट। और वीडियो हम लोग का कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब लोग को इतने ही रखते हैं, बाय बाय।